हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग टुडे एंड लीडिंग टुमारो। आज का वीडियो बड़ा ही खास है। आज के वीडियो में हम एक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल को सीखेंगे जो कि कक्षा 11, 12, बीएससी और एमएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रैक्टिकल का नाम है टाइट्रेशन। इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम उसमें उपयोग होने वाले ग्लास बेड्स के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में महत्वपूर्ण ग्लास बेयर्स होते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को नॉर्मली हम किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए उपयोग करते हैं। ये अलग अलग साइज के होते हैं, इन्हें हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा होता है कॉनिकल फ्लास्क, जिसमें हम किसी भी प्रकार के एनालाइट को टाइट्रेशन के दौरान यूज़ करते हैं। तीसरा ग्लासवेयर हमारा होता है फनल, जिसको हम ब्यूरेट के ऊपर फिट करके किसी भी सॉल्यूशन को ब्यूरेट में फिलअप करते हैं। दूसरे और ग्लासवेयर्स होते हैं जिन्हें हम बीकर्स कहते हैं। बीकर्स किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन को रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बीकर 100 ml, 500 ml अलग अलग साइजेस के होते हैं। इसके अलावा इस टाइट्रेशन की प्रोसीजर में सबसे महत्वपूर्ण ग्लासवेयर होता है ब्यूरेट। ब्यूरेट जो जनरली 50 ml की होती है, एक सिलेंड्रिकल आकार में, नली आकार में होती है, जिसमें नीचे एक नॉब होती है जहां से सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में गिराया जाता है। ब्यूरेट के अलावा एक पिपेट होती है जो नॉर्मली 10 ml की होती है। ये एक महत्वपूर्ण ग्लासवेयर है जो कि टाइट्रेशन के लिए हमको सॉल्यूशन लेने के लिए 10 ml लेने के लिए उपयोग की जाती है। इसके बाद कुछ होते हैं डिस्पेंसिंग बॉटल्स, जिनमें हम डिस्टिल वाटर लेकर डिस्पेंस करते हैं। इस प्रोसीजर में हम सबसे पहले जिस भी नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को, जिसे हम टाइट्रेंट या टाइट्रेटर कहते हैं, उसके द्वारा एनालाइट या अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को, जिसको हम एनालाइट कहते हैं या टाइट्रेट कहते हैं, की कॉन्सेंट्रेशन की गणना करते हैं। तो टाइट्रेशन बेसिकली एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन है, या हम इसे कह सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिटिकल केमिकल रिएक्शन है, जिसमें हम किसी नॉन कॉन्सेंट्रेशन की सॉल्यूशन की सहायता से अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की जानकारी पता कर सकते हैं। तो आज के प्रैक्टिकल में बेसिकली हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में जानेंगे। एसिड ऑक्जेलिक एसिड लेंगे हम, जिसमें N/10 ऑक्जेलिक एसिड को कैलकुलेट करके उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। दूसरा, उसके द्वारा हम अननोन NaOH की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना सीखेंगे। यदि हम NaOH को ब्यूरेट में भरते हैं और ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा उसको स्टैंडराइज करते हैं, तो हमने सबसे पहले NaOH के सॉल्यूशन को ब्यूरेट में फिलअप करना है। जस्ट कीप वहाँ पर रख दें ऊपर, बस ऐसे सूट। ब्यूरेट में सबसे पहले हम NaOH का सॉल्यूशन भरते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं है, अननोन NaOH कॉन्सेंट्रेशन NaOH की हम ब्यूरेट में 0 ml तक फिलअप कर देते हैं। उसके बाद हम 10 ml पिपेट आउट करते हैं हमारा ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, जो कि हमने N/10 का बनाया हुआ है। तो हम कॉनिकल फ्लास्क में पिपेट की सहायता से हमने क्या करना है, ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन ले लेना है। तो हम क्या करेंगे, पिपेट की सहायता से अबाउट 10 ml ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन को पिपेट के द्वारा कॉनिकल फ्लास्क में पोर करेंगे। पिपेट से पोर होने के बाद हम कॉनिकल फ्लास्क में भरे हुए N/10 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन की कुछ बूंदें डालेंगे। फिनोफ्थलीन बेसिकली एक प्रकार का इंडिकेटर है जो एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है। इंडिकेटर एक विशेष प्रकार के केमिकल सॉल्यूशन होते हैं जिन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं, जो एंड पॉइंट या इक्विलेंस पॉइंट की सूचना हमें देते हैं। फिनोफ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं।
फिनोफ्थलीन एक वीक एसिड है जो अम्लीय माध्यम में कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही ब्यूरेट से हम NaOH के कुछ ड्रॉप्स गिराना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे बेसिक मीडियम होने के कारण फिनोफ्थलीन ऑक्जेलिक अम्ल में कुछ लाइट पिंक कलर डेवलप करने लगता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही क्षारीय माध्यम आता है OH आयनों की संख्या बढ़ने के कारण ऑक्जेलिक अम्ल में फिनोफ्थलीन लाइट पिंक कलर डेवलप शुरू कर देता है, तो उस समय हम ब्यूरेट की नॉब को बंद कर देते हैं और लाइट पिंक कलर आने तक उसको वापस से रिपीट करते हैं। यदि कलर डिसअपियर होता है तो हम वापस से नॉब खोलकर टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन की इस प्रोसीजर में हम स्टेबल पिंक कलर आने तक ब्यूरेट से पोर करते हैं ड्रॉप वाइज, और जैसे ही स्टेबल पिंक कलर आता है तब हम उस रीडिंग को नोट डाउन कर लेते हैं। बड़े ही ध्यानपूर्वक ये टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया जाना चाहिए, क्योंकि फिनोफ्थलीन जैसे ही स्टेबल लाइट पिंक कलर देता है तो उस समय रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। यदि कलर आपका डिसअपियर होता है तो वापस से हम कुछ ड्रॉप्स NaOH की ब्यूरेट में से गिराते हैं और लाइट पिंक कलर आने तक अपने टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं। तो जिस भी रीडिंग पर, ब्यूरेट की रीडिंग पर रीडिंग आती है, उस रीडिंग को हम नोट डाउन कर लेते हैं और टेबुलर फॉर्म में उसका पिपेट रीडिंग, ब्यूरेट रीडिंग और जो भी रीडिंग्स हैं उसका ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। उसके बाद N1V1=N2V2 के द्वारा उसकी एक कैलकुलेशन करते हैं और फाइनली अननोन कॉन्सेंट्रेशन NaOH सॉल्यूशन की हम ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव टाइट्रेशन होता है जो कि 11th 12th के साथ ही साथ BSc और MSc प्लस रिसर्च के प्रैक्टिकल्स में आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है टाइट्रेशन का। हम इसको थ्योरेटिकली भी अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में आपको जो चीज़ें ग्लासवेयर्स और टाइट्रेशन की करने की प्रोसीजर समझाई गई, आशा है कि आपको समझ में आएगा, और अगले वीडियो में हम उसका थ्योरेटिकल पार्ट जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ टाइट्रेशन की प्रोसीजर में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स और वाइवा के क्वेश्चन भी हम वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।